मैं डॉक्टर राशि गुप्ता, आपको बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का पेपर सेकंड यानी बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री शुरू किया था। बायोकेमिस्ट्री में मैंने लिपिड्स लिया है। लिपिड्स के कई लेक्चर में कर चुकी हूँ। लिपिड जनरल, लिपिड स्ट्रक्चर, लिपिड्स कैरेक्टर्स, है ना। लिपिड्स के कैरेक्टर्स में हमने फिजिकल कैरेक्टर्स यानी केमिकल कैरेक्टर देखे थे। आज हम देखेंगे लिपिड्स में सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट्स। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं फिर से रिवाइज करा दूँ आपको। लिपिड्स एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। लिपिड्स थ्री टाइप्स के होते हैं, फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ऑयल्स भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। और जो वैक्सेस होते हैं वो लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड्स के बने होते हैं। इन तीनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए थे। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम ईथर एटसेट्रा। आज हम देखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट में सबसे पहला है एसिड नंबर। आप जानते हैं कि फैट्स किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इन फैट्स में कुछ थ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो इन थ्री फैटी एसिड्स कितने हैं इसका पता लगाने के लिए जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है एसिड नंबर। किसे कहते हैं एसिड नंबर? कि 1 ग्राम फैट्स में प्रेजेंट थ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए केवीएच की मिलीग्राम में जितनी मात्रा काम आएगी उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उस फैट्स का एसिड नंबर। आई रिपीट, 1 ग्राम फैट्स में प्रेजेंट थ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक मिलीग्राम में केवीएच की मात्रा पर एसिड नंबर कहते हैं। क्या काम आता है एसिड नंबर? एसिड नंबर से फैट्स में प्रेजेंट थ्री फैटी एसिड्स की मात्रा का पता चलता है। दूसरा कॉन्स्टेंट नंबर देखिए जो फैट्स का पता लगाने में काम आता है वो है सेपोनिफिकेशन नंबर। सेपोनिफिकेशन का मीनिंग मैंने बताया था साबुनीकरण, वह रिएक्शन जिससे कि साबुन प्राप्त होते हैं, है ना। साबुन कैसे प्राप्त की थी हमने? जब किसी ट्राइग्लिसराइड यानी फैट्स, फैट्स की रिएक्शन हम जब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइड से जैसे KOH या NaOH से कराते हैं तो हमें इन सोडियम या पोटेशियम के हमें सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं जिन्हें हम साबुन कहते हैं। और एक पूरी रिएक्शन कहलाती है साबुनीकरण। तो देखिए 1 ग्राम फैट्स के सेपोनिफिकेशन के लिए आवश्यक केवीएच की मिलीग्राम में मात्रा को उसका सेपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। इससे देखिए क्या फायदा होता है। इस सेपोनिफिकेशन नंबर से फैट्स में प्रेजेंट फैटी एसिड्स की जो चेन होती है, श्रृंखला जो होती है, उसकी लेंथ का पता चलता है। अगर चेन लेंथ जितनी छोटी होगी सेपोनिफिकेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। और जिसका हम पता किससे लगा सकते हैं? टाइट्रेशन के द्वारा। टाइट्रेशन आप जानते हैं कैसे होती है। टाइट्रेशन के द्वारा हम ये इसका पता लगा सकते हैं। ये दूसरा कॉन्स्टेंट नंबर। कॉन्स्टेंट नंबर किस लिए होते हैं? फैट्स का पता लगाने के लिए। तीसरा कॉन्स्टेंट नंबर है आयोडीन नंबर। 100 ग्राम फैट्स द्वारा एब्जॉर्ब आयोडीन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस फैट्स का आयोडीन नंबर। यानी 100 ग्राम वसा कितनी मात्रा में आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकती है उस मात्रा को हम बोलेंगे आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर किसी ऑयल या फैट्स का अनसेचुरेशन होता है। अनसेचुरेशन यानी असंतृप्तता। असंतृप्तता यानी डबल बॉन्ड, है ना। तो आयोडीन नंबर से हम फैट्स में प्रेजेंट डबल बॉन्ड का या अनसेचुरेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो बटर का आयोडीन नंबर होता है 20 से 45 के बीच, और ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली के तेल का आयोडीन नंबर होता है 120 से 130 तक। हम देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट्स। सबसे पहले हमने देखा था एसिड नंबर, फिर हमने देखा था सेपोनिफिकेशन नंबर, उसके बाद देखा था आयोडीन नंबर, और अब फोर्थ है एसिटाइल नंबर। एसिटाइल नंबर देखिए कैसे कहते हैं। 1 ग्राम फैट्स के सेपोनिफिकेशन व एसिटिलेशन से प्राप्त एसिटिक एसिड के को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक
क्यूरेज की मिलीग्राम में मात्रा को उसका एसिटाइल नंबर कहते हैं, है ना। कि एक ग्राम फेट्स के सेपोनिफिकेशन और उसके बाद एसिटिलेशन से प्राप्त एसिटिक एसिड के को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यूरेज की मिलीग्राम में जितनी मात्रा चाहिए होगी, है ना, उसको उसका क्या कहेंगे हम, एसिटाइल नंबर कहेंगे। जैसे कि जो कैस्टर ऑयल है जिसे अरंडी का तेल भी बोलते हैं, उसमें रिसिनोलिक एसिड होता है। रिसिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, साथ में एक हाइड्रोक्सी एसिड है, यानी इसमें OH समूह भी होते हैं। और तो हाइड्रोलिक एसिड सॉरी हाइड्रोक्सी एसिड है एक तरह का, और इसमें रिसिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है कैस्टर ऑयल में। अगर इसका जो एसिटाइल नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है 146, और ये एक प्रकार का हाइड्रोक्सी एसिड है। हाइड्रोक्सी एसिड है यानी कि इसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, ये OH ग्रुप पाए जाएंगे। OH ग्रुप ज़्यादा होने के कारण इसका ये जो वैल्यू है एसिटाइल वैल्यू ये 146 है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, एसिटाइल नंबर से हमें क्या पता पड़ता है, इस नंबर से फैट्स में प्रेजेंट OH समूह की संख्या का पता चलता है। तो हर कॉन्स्टेंट नंबर से हम फैट्स का पता लगा सकते हैं, फैट्स में फ्री फैटी एसिड्स का, फैट्स की कितनी मात्रा आयोडीन ऑब्जर्व कर सकती है, सेपोनिफिकेशन नंबर और एसिटाइल नंबर, ये सभी फैट्स का कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं और फैट्स के फैट्स का पता लगाने में बहुत सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। हम जानते हैं लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स फैट्स होते हैं, लिपिड्स ऑयल्स होते हैं, लिपिड फैक्सेस होते हैं। आप जानते हैं फैट्स का कितना उपयोग है, ऑयल्स कितने काम आते हैं। तो सबसे पहले हम फैट्स का देखेंगे, लिपिड्स यानी फैट्स इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल भोज्य पदार्थ है, और ये भोज्य पदार्थ के रूप में जब हम फैट्स को लेते हैं तो इनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट्स अगर हम लेते हैं तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दूसरा हमको यूज देखिए फूड रिजर्व्स, भोज्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो ये संग्रहण के रूप में स्टोरेज के रूप में भी हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। जैसे कि फैट्स एनिमल्स व प्लांट्स दोनों में स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, है ना। एनिमल्स में फैट्स कहाँ रहती है, एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर रहती है ना। और क्या स्टोर रहती है लिपिड्स, ये लिवर में भी, एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर रहते हैं। जब ये स्टोर रहते हैं तो क्या करते हैं, इंसुलेशन का कार्य करते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन के मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड और जैसे कि लाइकोप्रोटीन। एनिमल्स में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो भी एक प्रकार का लिपिड ही है। कौन सा लिपिड है, डिराइव लिपिड है। इंसुलेशन, अभी मैंने बताया था कि जो ये फैट्स हैं स्किन के नीचे, है ना, एडिपोज टिश्यू के रूप में, या फिर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर भी एक लेयर के रूप में पाई जाती हैं, वहाँ फिर जमा हो जाती है। जब ये जमा हो जाती हैं तो ये वहाँ पर किसका काम करती है, हीट इंसुलेटर के रूप में ये कार्य करती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर भी ये लिपिड्स मिलते हैं, किसके रूप में, सेरिब्रोसाइट्स के रूप में और स्फिंगोसाइट्स के रूप में। नेक्स्ट अगर यूज देखें हम, इम्पोर्टेंस देखें लिपिड्स की, तो वो है विटामिन कैरियर्स। ये कई विटामिन जैसे कि ए डी और ई फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, है ना, इसलिए इनको हम और क्या बोल सकते हैं, विटामिन कैरियर। नेक्स्ट है फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन। कई लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड्स को बड़ी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, तो फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं कई लिपिड्स। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स एंड विटामिन सिंथेसिस। कई लिपिड्स हॉर्मोन सिंथेसिस में और विटामिन के सिंथेसिस में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि जो ये फैट्स हैं स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में, और जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर एक लेयर के रूप में पाए जाते हैं,
और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये तो थे सारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स।